प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मरियंस्की पैलेस में 3 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच व्यापक चर्चा हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में प्रयास करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर शांति का संदेश दिया और कहा कि संघर्ष का समाधान जंग के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पक्षों को बिना किसी देरी के शांति की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने युद्ध की विभीषिका और उसके दुष्प्रभावों पर चिंता जताई, विशेषकर बच्चों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों पर। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते मानवीय सहायता, संस्कृति, चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए थे। ये समझौते दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत यूक्रेन के साथ खड़ा है और एक मित्र की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को दोस्ताना और ऐतिहासिक बताया। इस अवसर पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया है और उम्मीद जताई कि वह जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। बैठक के दौरान युद्ध के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सभी हितधारकों के बीच नवीनतम समाधान विकसित करने की अपील की, जिससे शांति स्थापित हो सके। उन्होंने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईमानदार और व्यावहारिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान खोजना चाहिए। साथ ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में उन्होंने बताया कि भारत आमतौर पर किसी भी देश पर प्रतिबंध नहीं लगाता और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ने भारत और यूक्रेन के संबंधों को एक नई दिशा दी है। शांति, सहयोग और मित्रता के इस संदेश ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे और यूक्रेन में शांति की स्थापना के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।